से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा है। दीपोत्सव के पहले सीएम केजरीवाल का दौरा किया जाएगा। 26 अक्टूबर को आ सकते हैं अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह सांसद भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धनुमान अहमद ने दी जानकारी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा होने जा रहा है, जहां दीपोत्सव के पहले सीएम केजरीवाल का दौरा रहेगा अयोध्या में। 26 अक्टूबर को आ सकते हैं अयोध्या। हनुमानगढ़ी और रामलला का करेंगे दर्शन। राज्यसभा सांसद संजय सिंह सांसद भी रहेंगे उनके साथ मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धनुमान अहमद ने दी जानकारी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा हो सकता है अयोध्या में, जो दीपोत्सव के पहले सीएम केजरीवाल का दौरा रहेगा। 26 अक्टूबर को आ सकते हैं अयोध्या उनके साथ। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पानी की टंकी से सप्लाई एक महीने तक बंद। ग्रामीणों में पेयजल का छाया है संकट। ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं की गई। जिम्मेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप। जनपद के बिछिया ब्लॉक पड़री खुर्द का है ये पूरा मामला। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पानी की टंकी से ग्रामीणों में पेयजल का संकट छाया है, जहां पर ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिम्मेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप। जनपद के बिछिया ब्लॉक पड़री खुद गांव का है ये पूरा मामला। पानी की टंकी से सप्लाई एक महीने से बाधित। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों में पेयजल का संकट छाया हुआ है, जहां ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जिम्मेदारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। जनपद के बिछिया ब्लॉक पड़री खुर्द गांव का है ये पूरा मामला। पानी की टंकी से सप्लाई एक महीने से बाधित हुई है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। आर्मी बुलेट बाइक रैली का होगा आयोजन। गांव में तैयारियां हुई है शुरू। परमवीर चक्र विजेता के पैतृक गांव में होगा इसका आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी बुलेट बाइक रैली का होगा आयोजन। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शाजापुर में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां परमवीर चक्र विजेता के पैतृक गांव में आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, जहां आर्मी बुलेट बाइक रैली का होगा आयोजन। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तालाब में उतराता मिला शव, मानसिक रूप से विक्षिप्त था मृतक। वृद्ध का शव मिलने से मचा है हड़कंप। पुलिस ने शव को लिया है कब्जे में। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हदगांव थाना क्षेत्र के यौहन गांव का है ये पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक का शव नदी में तैरता मिला है, जहां वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हदगांव थाना क्षेत्र के यौहन गांव का है ये पूरा मामला। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, रोडवेज बस में अचानक लगी है आग, दूधू कर जली रोडवेज बस। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जालौन के बाईपास श्री हरि गार्डन का है ये पूरा मामला। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रोडवेज बस अचानक से दूधू करके जली है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है, जो उन्होंने काबू पाया है। जालौन के बाईपास का है ये पूरा मामला। रोडवेज बस में
अचानक से लगी थी आग। जालौन की इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जालौन के बाईपास श्री हरि गार्डन का है पूरा मामला। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं।